तो चलिए सीधे रुक कर रहे इस वक्त की बड़ी जानकारी की और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। पानीपत में हत्या को हादसा दिखाने का मामला, एसआईटी ने आरोपी एसएचओ को गिरफ्तार कर लिया है, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। एसएचओ पर हत्या को हादसा दिखाने का आरोप लगा है, तो एसएचओ को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी जांच के बाद एसएचओ एसआई, साथ ही बता दें पानीपत में हत्या को हादसा दिखाने का यह मामला, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एसआईटी ने आरोपी एसएचओ को गिरफ्तार कर लिया है, एसएचओ पर हत्या को हादसा दिखाने का ये आरोप लगा था। एसआईटी जांच के बाद एसएचओ एएसआई किए गए थे सस्पेंड, और पानीपत में हत्या को हादसा दिखाने का ये पूरा मामला जहां पर एसएचओ को गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी ने आरोपी एसएचओ को गिरफ्तार किया है, एसएचओ पर हत्या को हादसा दिखाने का आरोप है। जितेंद्र शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये एसएचओ को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक हादसा था, जिसको ताजा जानकारी चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चांदनीबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आरिफ की बीते दिनों जो है वो हत्या कर दी गई थी, और इस मामले को लेकर जो इंस्पेक्टर करमवीर है और जो एएसआई थे, उन्होंने जो है इस मामले में हत्या के जो मामला था उसको एक हादसा दिखाया था, और इसी मामले में लगातार जो है पुलिस की किरकिरी भी हो रही थी, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत जो थी उसका एक वीडियो दिया था, जिसके साथ जो आरिफ के साथ कुछ युवक जो है मारपीट कर रहे थे। मारपीट करने का जो वीडियो था परिजनों ने डीआईजी के साथ साथ एसपी को भी दिया था, और इस मामले में एसपी ने तुरंत प्रभाव से करते हुए जो है जो उस समय के थाना इंचार्ज थे इंस्पेक्टर करमवीर और एएसआई, और वहीं एसपी के जो सुरक्षा में तैनात थे एएसआई, उसको भी जो है उन्होंने लाइन हाजिर किया था, और इन दोनों को जो है निलंबित किया था। और इस पूरे मामले में जो है एसआईटी ने अब करमवीर इंस्पेक्टर की जो है जो निलंबित थे उसको गिरफ्तार किया है, और आज उनको जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। और सबसे बड़ी जानकारी मैं एक चीज और दे दूं कि जो सीआईए इंस्पेक्टर दीपक थे वो लगातार इस मामले की जांच कर रहे थे, और एएसपी मयंक मिश्रा ने इस मामले में बाकायदा जांच करने के बाद खुद जो है इसमें शिकायत दर्ज करवाई है। जी चलिए जितेंद्र, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, पानीपत में हत्या को हादसा दिखाने का ये मामला सामने आया है, जहां पर एसआईटी ने आरोपी एसएचओ को गिरफ्तार किया है।